अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो फॉर्मली स्टार्ट करते हैं क्लास का। आज चूंकि आप देख रहे हैं कि भाई इकबाल डे है, तो हम भी इकबाल डे मना रहे हैं, घर पे मना रहे हैं। ठीक है, जितना भी काम वाम है ऑफिस का वो सब हम घर से ही देखेंगे आज। और आप लोग की क्लास भी सुबह सुबह जल्दी लगता है ना, जैसे आपके नेशनल पोएट है अल्लामा इकबाल साहब। तो कोई भी इस तरह का दिन आता है तो हमें देखना चाहिए कि भाई वो अगर बड़े आदमी बने तो वो बड़े आदमी क्यों बने। ठीक है, इकबाल डे हमें मिला है तो हमें इकबाल डे जाना सोने के लिए नहीं मिला। ठीक है, हमें इकबाल डे एज अ सिंबल हमें एक छुट्टी दी जाती है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा पर्पज होता है। ठीक है, पर्पज ये है कि हम सोचें इकबाल के बारे में, हम देखें कि यार वो जो बंदा था उसकी पोइट्री किस किस्म की थी। ठीक है, वो कौम में किस किस्म की बेदारी पैदा करता था। ठीक है, और आपको काम करने पर मजबूर करता था। वो कहता था कि यार जब तक मेहनत नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ोगे। एक बहुत मशहूर शेर है कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाक ही अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। तो जब तक अमल नहीं करोगे तो ना आपकी जन्नत बनेगी, ठीक है, ना आपकी जिंदगी बनेगी। ये जो जिसम है ये तो ऐसी है ना, जब तक इसमें हरकत पैदा नहीं करोगे तो आपको वो डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। फिर अल्लामा इकबाल साहब फरमाते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते आके खुद पूछे कि अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करें कि आप इनको दे दें। इन्होंने इतनी मेहनत करी है, इन्होंने इतनी जान मारी है, ही इज वेल डिजर्विंग। तो इकबाल की पोएट्री से हमें सीखना चाहिए। और जिस तरह आप सुबह सुबह उठ के क्लास अटेंड कर रहे हैं तो उस पर भी एक अल्लामा इकबाल का शेर है, दियार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, दियार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर। अब ये इश्क की जब बात आती है ना तो हमारी नौजवान नस्ल ना कहीं और निकल जाती है। ठीक है, तो भाई आप क्लास अटेंड करें, आप सीए की बात में कर लो ना, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की। तो दियारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। जिस तरह आप सुबह सुबह 8:30 बजे 9 बजे उठ के क्लासेस ले रहे होते हैं, दिस इज ऑल इट रिक्वायर्स। आप अपने दिन को बड़ा कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यार, जो मैं प्रैक्टिस आप लोगों को करा रहा होता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार अगर एग्जामिनर आपको यहाँ पे सवाल कर रहा है ना, आपको 100 लेवल पे सवाल कर रहा है, तो आपने प्रैक्टिस करनी है 110 पे, 120 पैरामीटर पे जाके। उस पे भी अल्लामा इकबाल का शेर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यार अल्लामा इकबाल जो है ना एक मोटिवेशनल शायर है। और हमें आज के दिन असेस करना चाहिए, देखना चाहिए कि यार वेयर डू वी स्टैंड एज अ नेशन। तो अल्लामा इकबाल अपने शेर में कहते हैं कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, यू नो, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर की तलाश कर। कितनी बड़ी बात की है, कितनी बड़ी बात की है। ठीक है, इन दो लाइनों में बहुत बड़ी बात है, लेकिन समझने वाली बात है अगर हम समझे तो। क्या कहना क्या चाह रहे हैं इसके अंदर? तो इकबाल डे से हमने कुछ टेक अवे ले लिया फिर आज? तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। आज हमारे कितने शाहीन जो है ना पड़े हुए सो रहे होंगे, छुट्टी का टाइम है। हाँ, बिजनेस रिस्क मिल जाए तो ऑडिट रिस्क की तलाश कर। बहुत जबरदस्त शायान, बहुत जबरदस्त। बिजनेस रिस्क मिल जाए तो ऑडिट रिस्क की तलाश कर। ग्रेट ग्रेट, चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो अल्लाहुम्मा रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली।